19 सितंबर से श्री गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसको लेकर चारों तरफ तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे ही कुछ पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा इस बार मिट्टी और गोबर से निर्मित गणेश प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जिनका वह निःशुल्क वितरण करते हैं। सागर के ढाणा में रहने वाले दीपक पौराणिक के द्वारा लगातार 11वें साल मिट्टी, गाय के गोबर, गौमूत्र, नर्मदा नदी के जल, गंगा नदी के जल, बेबस नदी के जल को मिलाकर पंचगव्य से गणेश की पार्थिव प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जिनका वह निःशुल्क वितरण करेंगे। उनका कहना है कि POP की मूर्तियां नदियों में विसर्जन करने के बाद गलती नहीं है, उन्हें वह देखते हैं तो काफ़ी दुख होता है। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है कि कुछ मूर्तियों का निर्माण करते हैं, फिर उनका निःशुल्क वितरण करते हैं। गाय और गोबर की मिट्टियों को लोग घर में रख सकें, उनका पूजन कर सकें, इसमें लक्ष्मी का वास भी होता है। शुद्ध मिट्टी पंचगव्य, जिसमें गौ माता का गोबर, गौमूत्र और शुद्ध पवित्र नदियों का जल, जिसमें माँ गंगा, माँ नर्मदा और बेबस नदी का जल मिलाकर, माँ बेबस नदी का जल मिलाकर हम इनका मिट्टी का शोधन करने को उपरांत मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कराते हैं, निर्माण करते हैं और उसका निःशुल्क वितरण करते हैं। यह हमारा 11वां वर्ष है और इस वर्ष भी हम भगवान गणेश की मिट्टी से निर्मित पार्थिव प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण करेंगे। कुछ प्रतिमाएँ बन चुकी हैं, कुछ प्रतिमाएँ हम बना रहे हैं। ये अभी कुछ हमने मिट्टी से हमने अभी प्रतिमा निर्मित की हैं और बनाते भी जा रहे हैं मिट्टी से, और कुछ प्रतिमा बनने के बाद उनमें चूना भी लगा दिया है और बाद में उनमें रंग होगा, उसको उपरांत मिट्टी के गणेश जी तैयार होंगे। हम प्रयास करते हैं कि POP से निर्मित प्रतिमाएँ कम से कम लोग रखें और भगवान गणेश जी का जो शुद्ध मिट्टी का जो स्वरूप है, और कहते हैं कि गोबर के गणेश जी जो बनते हैं और जो मिट्टी के गणेश जी बनते हैं वो बहुत शुभ होते हैं। गणेश जी का प्रत्येक स्वरूप शुभ है, लेकिन मिट्टी के गणेश जी रखे जाएं, ये मेरा एक प्रयास रहता है। मैं प्रयास करता हूं कि मिट्टी के गणेश जी अधिक से अधिक स्थानों पर रखे जाएँ, कि ये एक मुहिम जो पर्यावरण सुधार की बात चलती है। हम ये नहीं कहते कि केवल गणेश जी को ही मिट्टी के रखने से पूरा पर्यावरण ठीक हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा प्रयास हमारा होता है कि मिट्टी के गणेश जी रखें। और POP की प्रतिमा सामान्यतः जल में नहीं गलती, कई बार बहुत दुख होता है जब POP की प्रतिमाओं का निर्माण होने के बाद वो नदी में तैरती रहती हैं, तैर के बाहर आ जाती हैं और गंदे स्थानों पर अगर वो डली रहे तो बहुत दुख होता है। तो हमारा प्रयास तो यही है कि जो हमारा वैदिक भगवान का स्वरूप है, मिट्टी के गणेश जी और गोबर के गणेश जी, ऐसे गणेश जी का घर घर में पूजन हो और गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मरे, हर स्थान पर गणेश जी रखे जावें।